गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम जो 11th क्लास की राजनीति विज्ञान है उसके अंदर जो कार्यपालिका टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जो अध्याय संख्या 4 है कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत हमने कल चर्चा की थी कि संसदीय जो हमारे भारत के अंदर जो संसदीय कार्यपालिका के रूप को क्यों अपनाया गया है, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि जो संसदीय जो कार्यपालिका के अंदर है, ये कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, किस प्रकार से वो अपना कार्य करते हैं, उनका समय काल कितना होता है कार्यकाल, और कैसे उनका निर्वाचन, इन सब बातों का अपना आज चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत भारत के संविधान में औपचारिक रूप से, मतलब नाम मात्र, तो टॉपिक है हमारा भारत में संसदीय कार्यपालिका। तो हमने ये बात भी कल चर्चा की थी कि चाहे देश के स्तर पे हो और चाहे राज्यों के स्तर पे, दोनों स्तरों पे हमने कौन सी कार्यपालिका के रूप को अपनाया है, संसदीय कार्यपालिका को, जबकि हमने अध्यक्षीय कार्यपालिका को नहीं अपनाया, क्योंकि अध्यक्षीय कार्यपालिका के अंदर हम कल चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति मजबूत होता है, परंतु राष्ट्रपति क्या करता है, इसके अंदर व्यक्ति पूजा का विशेष महत्व होता है। राष्ट्रपति अपने चहेतों को क्या करता है, मंत्रिपरिषद के तौर पर उनमें शामिल कर सकता है, और वहाँ पर ऐसी स्थिति के अंदर जो योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन नहीं हो पाता है, या जो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, जनता के प्रति वो सरकार उत्तरदायी नहीं बन पाती है, ऐसी स्थिति में हमने यहाँ पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय कार्यपालिका के रूप को अपनाया है, जिसके अंदर जो चाहे राज्य हैं और चाहे जो केंद्र है, दोनों स्तरों पर इसी रूप को अपनाया गया है। इसके अंदर किस प्रकार की कार्यपालिका होती है, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। आज इसी कड़ी में हम आगे चलते हुए इसके अंदर कैसे इनका कार्यकाल होता है, कौन इनका वास्तविक हो, कौन वास्तविक अध्यक्ष होता है, कौन नाम मात्र का होता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से भारतीय संविधान में औपचारिक का मतलब होता है नाम मात्र औपचारिक, नाम मात्र की भारतीय संविधान में औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। किसको दी गई भी, राष्ट्रपति देश के अंदर राष्ट्रपति को, और यहाँ पे आ जाए भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनको किनको प्रदान की गई है, राज्यपाल को आ जाएगी बात इसी है। जबकि वास्तव में दी गई है, लेकिन वास्तव में प्रधान, परंतु देखो ये शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा, परंतु इन शक्तियों का प्रयोग करेगा कैसे, प्रधानमंत्री के माध्यम से करेगा। तो इस प्रकार से वास्तविक कार्यपालिका किसमें हो गई, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यपालिका का रूप पाया जाता है, जबकि यह तो नाम मात्र की कार्यपालिका है, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम, मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति क्या करता है, इन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से वास्तव में, मतलब वास्तविक कार्यपालिका किसमें पाई जाती है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री। मंत्रिपरिषद को बनाता कौन है भाई, प्रधानमंत्री बनाता है। प्रधानमंत्री ये जो मंत्रिपरिषद के अंदर जो विभिन्न विभागों का बंटवारा करना है, कौन से व्यक्ति को मंत्री का पद दिया जाना है, कौन से मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना है, कौन से मंत्री को राज्य मंत्री बनाया, ये सारा तय कौन करता है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिपरिषद बनाई जाती है, उसको वास्तविक आलीजामा कौन बनाता है, राष्ट्रपति।
जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो भी वास्तविक कार्यपालिका के अंदर है जो संपूर्ण कार्य करेंगे, तो वो सारे इनके माध्यम से कौन करता है? राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है, करता है प्रयोग राष्ट्रपति। परंतु राष्ट्रपति किसके सारे पे करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्री। काम कौन करेंगे? प्रधानमंत्री और मंत्री। इसी कारण से हम कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में पाई जाती है, जबकि नाममात्र की कार्यपालिका किस में पाई जाती है? राष्ट्रपति में। भारत के अंदर ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है भाई? राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाता है? भारत के अंदर राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा, राष्ट्रपति देखो अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंदर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, न कि संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है? डायरेक्ट जनता, सीधे जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। परंतु संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव है वो सीधे जनता नहीं करता है, जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है राष्ट्रपति का। कैसे? जनता ने जिन प्रतिनिधियों का चुनाव किया है वो प्रतिनिधि आगे चल करके क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, जैसे यहाँ पे भारत के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, तो उसमें देखो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और, कहने का मतलब कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो निर्वाचित, उन सदस्यों को निर्वाचित किसने किया? डायरेक्ट जनता ने किया। तो वो सदस्य लोकसभा के सदस्य जिनको डायरेक्ट जनता ने किया, और राज्यसभा के सदस्य जो राज्य की विधानसभाओं से चुन करके आते हैं, तो इस प्रकार से इनके जो निर्वाचित सदस्य वो भाग लेते हैं किसके? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? संघ, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उनका भी निर्वाचन कौन करता है? जनता के द्वारा। वो सदस्य आगे चल करके किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति। और कौन करता है? जितने भी देश के अंदर राज्य, उन राज्यों की जो विधानसभाओं के अंदर जो विधायक होते हैं वो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब जो विधायक हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सारे के सारे जो जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य, वो किस में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रपति का भारत के अंदर निर्वाचन किया जाता है, इसको कहा जाता है निर्वाचक मंडल। तो जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता ही कर देती है, जबकि संसदीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। तो राष्ट्रपति पद के लिए देखो सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है, इसके अंदर कौन सी संसदीय, जो हमारी संसदीय कार्यपालिका है इसके अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधा नहीं होता है जनता के द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है भाई? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष किस रूप में होता है? अप्रत्यक्ष रूप। अप्रत्यक्ष मैंने बता दिया अभी आपको, अप्रत्यक्ष मतलब जनता सीधे निर्वाचित नहीं करके, और किस रूप में करती है? जनता के चुने जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि आगे चल करके किसका निर्वाचन करते हैं? राष्ट्रपति का। इसलिए इसको कहते हैं हम अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो जब होता है डायरेक्ट जनता सीधी राष्ट्रपति का चुनाव करती, तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु यहाँ पर अप्रत्यक्ष की व्यवस्था को अपनाया गया है भारत के अंदर, और ये व्यवस्था किसमें दिखाई पड़ती है? संसदीय कार्यपालिका के। इसका अर्थ अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, और इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक मतलब आम जनता नहीं करती है, बल्कि विधायक और जो जनता के द्वारा चुने हुए विधायक और जो सांसद होते हैं वो करते हैं। यह निर्वाचन किस पद्धति के अनुसार होता है भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इस प्रणाली के द्वारा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और
एकल संक्रमणीय और एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। किस प्रकार से होता है बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये भारत के अंदर है, सारा का सारा भारत के अंदर है, भारत में भारत में भारत में। और ये सारी व्यवस्था किस में है, संसदीय कार्यपालिका में पाई जाती है ये सारी सारी व्यवस्था। तो इसके अंदर देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल ध्यान में रखना है, कौन सी प्रणाली के द्वारा, प्रणाली का नाम आए तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के द्वारा। और मत की बात आए, मत कैसे देते हैं तो एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति का, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं, जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघ क्षेत्रों की जो विधानसभा उनके निर्वाचित सदस्य, किस प्रकार से करते हैं वो कैसे करेंगे, समानुपाती के प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। किस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और अब बात आती है राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद ने और राज्य की विधानसभा और संघ क्षेत्रों में निर्वाचन कर दिया, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के बाद में राष्ट्रपति की को पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए हमारे संविधान के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का कहीं उल्लंघन कर देता है, कदाचार या जो वो कदाचार साबित हो जाता है, अयोग्य साबित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में संसद क्या कर सकती है, उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चला करके अपने दो तिहाई विशेष बहुमत या दो तिहाई बहुमत या विशेष बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। यदि महाभियोग की प्रक्रिया का जो प्रस्ताव है पूर्ण रूप से सफल हो गया, पूरी प्रक्रिया चल गई, और यदि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को उसके पद से पृथक किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, तो इसलिए राष्ट्रपति भी मनमर्जी नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति को भी नियंत्रित करने की व्यवस्था है। किसके अंदर, संसदीय कार्यपालिका के अंदर, क्योंकि इसके अंदर संसद के दोनों सदन अपने विशेष बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है। देखो साथ ही साथ में राष्ट्रपति के नाम से हमने बार बार चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में पाई जाती है। सारी बातों के उपरांत फिर राष्ट्रपति को, फिर नाम मात्र का होता है तो फिर वास्तविक कौन होता है, वास्तविक के बारे में हमने चर्चा कर ली कि प्रधानमंत्री और उसकी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसको काम कैसे काम करेंगी, कौन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वास्तव में कार्यपालिका का काम कौन करेगी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसके लिए समय समय पर सलाह देंगे और उसके कार्यों करेंगे। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंदर इस व्यवस्था का उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 74 फर्स्ट में क्या किया गया है, 74 फर्स्ट के अंदर राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान बोल दो, जिसका प्रधान या मुखिया, राज्यों के अंदर मुखिया मुख्यमंत्री होता है, प्रधान यहाँ पर कौन होता है, प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान कौन होगा भाई, प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जो अपने कार्यों का राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों में से जो भी कार्य करेगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग करने में, राष्ट्रपति अपने कार्यों या कर्तव्यों का प्रयोग करने में करने में इनकी सलाह लेगा, मतलब जो ये सलाह लेंगे, जो सलाह देंगे कौन, मंत्रिपरिषद और उसका प्रमुख प्रधानमंत्री, जो सलाह देंगे उस सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति के कार्य किए जाएंगे। राष्ट्रपति के संपूर्ण कार्यों का संपादन करने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, वो संपूर्ण कार्यों को संपादित करेंगे या उन संपूर्ण कार्यों में जो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है उनको कार्यों को करने में और उनको सलाह देने में संपूर्ण भूमिका कौन निभाएगी, मंत्रिपरिषद और उसका प्रधान प्रधानमंत्री। ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में की गई है, 74 के अंदर। तो इस कारण से हम वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों को हम यहाँ पर प्रधानमंत्री में या मंत्रिपरिषद में लेते हैं और इस कारण से ही जो नाममात्र की है जो वैधानिक जो कार्यपालिका शक्तियाँ वो किस में निहित हो जाती हैं, राष्ट्रपति के अंदर। तो इसके अंदर देखो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार काम करेगा, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए, परंतु इसके अंदर देखो ये इसके मानने के लिए बाध्य होगा कौन, राष्ट्रपति, किनकी सलाह को, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। बस राष्ट्रपति को इतना सा थोड़ा सा नॉर्मल सा पावरफुल बनाए कि उनको पुनर्विचार के लिए जो काम कर रही है मंत्रिपरिषद उसको पुनर्विचार के लिए, या प्रधानमंत्री जो काम कर रहा है उसको पुनर्विचार के लिए क्या कह सकता है, राष्ट्रपति कह सकता है। परंतु पुनर्विचार के बाद में भी यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उस कार्य को या उस कर्त्य को वापस उसी स्थिति में या उसमें सुधार करके राष्ट्रपति के सम्मुख पेश करते हैं तो राष्ट्रपति को उस कार्य को करना पड़ेगा, तो उसकी सलाह को मानना पड़ेगा, किसकी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य कौन, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर इस कारण से क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और राष्ट्रपति कमजोर हो जाता है। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार को के लिए कह सकता है और राष्ट्रपति से पुनर्विचार के पश्चात, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कहेगा, राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद में जो वापस जो सलाह दी गई है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा उस सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति काम करेगा। इस कथन के अंदर हमारे सामने ही शब्द का प्रयोग है, ही का मतलब बाध्य है, कौन बाध्य है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है कौन, मंत्री जो राष्ट्रपति, कौन है बाध्य, राष्ट्रपति। तो इन कथन के अंदर जो शब्द ही का प्रयोग किया गया है इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, जरूर है, मतलब मजबूर है, उसको मानना पड़ेगा, बाध्य है। यह हमारे संविधान के अंदर व्यवस्था की गई है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई है इस संसदीय कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति नाम मात्र का है जबकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को केवल इतना ही बताया गया, इतना ही किया गया कि राष्ट्रपति के नाम से काम होंगे, परंतु उन कार्यों को करेगी कौन, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री करेंगे। राष्ट्रपति केवल उनको पुनर्विचार के लिए कह सकता है और पुनर्विचार के पश्चात वापस मंत्रिपरिषद और जो प्रधानमंत्री जो सलाह देंगे उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है कौन, राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके, देखो हमारे संविधान में फिर कि भाई यहाँ पर तो राष्ट्रपति बिल्कुल कमजोर हो गया, ऐसी स्थिति में उसको थोड़ा सा मजबूत करने के लिए कई बार संशोधन भी किया गया हमारे संविधान के अंदर, और यह बात स्पष्ट की गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। और बाद में एक संशोधन के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को उसकी सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, किसको? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को। कौन? राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के बाद में भी जो सलाह दी गई है उसको मानना पड़ेगा, किसको? राष्ट्रपति को। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा की कि भारत के अंदर जो संसदीय कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, प्रधानमंत्री का क्या भूमिका है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस पद्धति के द्वारा होता है, कैसे प्रत्यक्ष होता है, कैसे प्रत्यक्ष होता है, इसके अंदर कौन चुनाव के अंदर भाग लेते हैं संसद के दोनों, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं वो कौन कौन होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो टॉपिक है ये यहाँ पे संपन्न हुआ। अगल इसी कड़ी के अंदर अध्याय संख्या 4 के अंदर ही हम कल चर्चा जो करेंगे राष्ट्रपति की जो शक्ति है और वो स्थिति कैसी क्या है भारत के संविधान के अंदर, कि राष्ट्रपति की शक्ति कार्य और शक्तियों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।